दोस्तों, मैं हूं उमेश और आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन कंप्यूटर चैनल में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें हम अच्छे अच्छे वीडियो डालते रहते हैं जो कि हिंदी में रहते हैं और फ्री होते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा दोस्तों। इसमें मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर, सीएससी, टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया से जुड़े सभी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। जो जल्दी से आप इसे सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि अपने कंप्यूटर में मोबाइल के सभी ऐप्स और गेम यूज कैसे करें। मोबाइल के जितने ऐप्स हैं उसको अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर पे कैसे चलाएं। तो सबसे पहले उसके लिए हमको अपने कंप्यूटर में देखते हैं सबसे पहले हमको अपने कंप्यूटर पे ब्लू स्टैक्स, ये जो सॉफ्टवेयर दिख रहा है ब्लू स्टैक्स, इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका आइकॉन इस तरह का डिस्प्ले में नज़र आएगा, तो आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ओपन होते ही आपका विंडो इस तरह से खुल जाएगा। इसमें आपका मोबाइल से संबंधित सभी चीज देख सकते हैं, जियो टीवी सेटिंग, व्हाट्सएप, जियो पोस्ट, यूट्यूब, कोई भी चीज यहाँ चला सकते हैं। प्ले स्टोर में आप कुछ भी मंगा सकते हैं, कोई भी चीज मोबाइल की तरह ही काम करेगा। सेटिंग देखिए, सेटिंग है, लोकेशन, एंड अकाउंट, जियो, 44, एप्स डिलीट करने के लिए हम ऐप्स मिलेगा, किसी को भी डिलीट करने के लिए क्लिक करें, अनइंस्टॉल करें। बिल्कुल मोबाइल की ही तरह अपने लैपटॉप में यूज कर सकते हैं। प्ले स्टोर, व्हाट्सएप, जियो टीवी, ये भी आप चला सकते हैं लैपटॉप में। सभी चैनल इसमें दिखाया जाए। था ना दोस्तों सबसे अच्छा। तो आप इस चैनल को, तेरा बेटा मेरा दुश्मन, आप उसको पार भी कर सकते हैं। कोई भी चैनल देखना होगा तो फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। आज हम अच्छी मेरी रिजल्ट क्यों अपनी छोटी वाली झुमकिया मुझे पहना दी। और तो पापा उनसे कह रहे थे कि मेरी शारदा दीदी के लिए है ना दोस्तों सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर, जिसे आप फुल स्क्रीन करके भी आप देख सकते हैं। मेरा नेटवर्क अभी थोड़ा स्लो चल रहा है, इसको आप अच्छे से, मेरा सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा खुला हुआ है, तब इसमें सभी तरह का काम अपने मोबाइल जैसा ही कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे की वीडियो हम और भी कुछ बताने वाले हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी चीज़ नए नए अपलोड करेंगे आपके यूट्यूब पे आ जाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए, सीखते रहिए।